श्वेता, फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं? आई रियली होप कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है 22 जनवरी। आज मैं फ्रेंड्स अब मंदिर जाऊंगी और काफ़ी देर भी हो चुका है, और अभी मैं जस्ट थोड़ा देर पहले खाना भी बनाई हूँ और थोड़ा सा सिर दर्द था तो देर में सो के भी उठी हूँ। घर का सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा सब चीज़ हो चुका है, खाना भी मैं फटाफट बनाई हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। मेरा भाई भी आया हुआ है तो हम लोग तीनों एक साथ जाएंगे मंदिर, और मेरी सिस्टर मंदिर जाके आ चुकी है बट वो भी बोलिए साथ में चलूंगी। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा, जो हो पाएगा वो मैं आप लोग के साथ आज शेयर करूँगी। मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ, मॉइस्चराइजर लगाई हूँ, पहले खाना दे दूँ फिर फटाफट रेडी होंगी। मेरे भगवान जी का पूजा हो गया है दोस्तों, पूजा मेरे हस्बैंड किए हैं। मैं खाना फटफट बनाने के बाद ना नहाने चली गई थी, राइस बन चुका है, ये दाल बनाई हूँ दोस्तों, और ये है पत्ता गोभी का फ्रेंड्स हल्का मसाला डाल के सब्जी है, और ये आलू गोभी का सब्जी है फ्रेंड्स, ये सब्जी रात का है, और ये मैं थोड़ा सा सैलड बनाई हूँ इसी में, मतलब क्रश करी ना तो फटाफट लेट होने के कारण अभी इसी में रहने दी हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट निकालते हैं खाना, बर्तन वगैरह सब कुछ वॉश हो चुका है, सब कुछ नीट एंड क्लीन हो चुका है, बस खाना दे के और मैं रेडी होती हूँ। खाना खाए ना तो मैं उस समय का क्लिप नहीं ली हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत जल्दी जल्दी हड़बड़ी में खाई हूँ। तो मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत दिन के बाद मैं थोड़ा सा साड़ी उड़ी पहन करके फिर वीडियो के लिए ही स्पेशली पहनी हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत लोगों को पसंद आता है लेकिन नहीं पहनती, फिर ठीक है उतना कुछ खास नहीं है तो चल रहा है, तो लेकिन मैं पहनी हूँ ब्लॉग के लिए ही स्पेशली, और मंदिर भी जा रहे हैं इस वजह से भी। तो मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये जो मैं हाथ में पकड़ी हूँ अभी मैं रख दूंगी, घर से जस्ट निकलने वाली हूँ इस वजह से ही पकड़ी हूँ ताकि छूट ना जाए। तो मेरा साड़ी कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नया साड़ी है और आज ही पहनना हुआ, भाई के शादी के समय ही ली थी, उसी में बीच में पहनती कभी लेकिन नहीं मिला मौका तो फिर रखा हुआ था, मैं सोची चलो आज पहन लो, कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और बस हाथ में एक कंगन डाली हूँ ये देखिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं ब्लॉग में, एंड तक बने रहिएगा। हस्बैंड और मेरे भाई जस्ट बाहर कहीं गए हैं, वो लोग आ रहे हैं फिर हम लोग घर से निकलते हैं। फ्रेंड्स हम लोग खाना वगैरह भी खा लिए और जस्ट अभी घर से निकल गए हैं, और हम लोग जा रहे हैं दोस्तों यहाँ से सुपेला, मेरे घर से जा रहे हैं मेरी सिस्टर के घर, और वहाँ से सिस्टर और बाबू को भी लेंगे। इसके बाद हम लोग जाएंगे दोस्तों सेक्टर 9 मंदिर। तो आप लोग मेरे साथ ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ये मैं ब्लॉग जो स्टार्ट की हूँ दोस्तों नाइट तक, मैं जो भी होगा आज, मैं डे का जो भी होगा आज के दिन का दोस्तों मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और आप लोग देख सकते हैं बाहर कितना सुंदर इस टाइप का भगवा कलर में डेकोरेशन किया गया है। तो आप सभी को जय श्री राम दोस्तों, जय। कितना हुआ भैया मेरा? आपका 130 दीदी का 30 रुपए। फोन पे कर दे रही भैया। चलो झंडा कौन सा था? झंडा ये छोटा वाला जो 70 का है, ये 100 जय श्री राम भैया। आई भी आपके साथ ये 30 जय श्री राम लड्डू हो गया। हेलो
फिर यही फोटो क्यों घूमा जब बाहर में लगाया है गर्भगृह में दूसरा फोटो। अभी गर्भगृह का फोटो मतलब देखने नहीं मिला है किसी को सब, अब आ गया पूजा के बाद। अगर लगा भी दी लाडू थूक तो अच्छी बात है ना, वो तो आपको अपना प्रसाद दे रही है यहीं से है। अरे अधिक लाइन करो, अब देखो छोटू भी जाएगा कि नहीं, थोड़ा सा है ये फट से निकल। नहीं देखोगी खाली थूक लगाऊंगी। है रुमाल वहां पे बैठेगी ना तब देगी। बचपन में घुस सकता था ना भाई, अब तो बड़ा हो गया है। आओ इधर आओ, ये आया है छोटू भी। अब भीड़ का सामना करते हुए भगवान जी के दर्शन करने के लिए, और छोटा को बताया गया कि भीड़ नहीं है और यहाँ पहुँचने के बाद लंबा एक लाइन है। हाँ के पास थोड़ा सा तो कष्ट होना चाहिए, भगवान मेरे अंदर है। नमस्ते राजा, नमस्ते। फिर अपने अंदर के भगवान नमस्कार। काफी भीड़ है यहाँ से फिर भी। निर्मला को कौन से हम लोग सेक्टर 9 वाला हनुमान मंदिर आए हैं, आपको आना चाहिए। ठीक है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सोना मंदिर में भी आके जय जय श्री राम के टाइम में बोल के जय जय श्री राम। चलो बाय, जय जय श्री राम। नहीं नॉर्मल है, बहुत लंबा दूरी तय करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे। तो
फ्रेंड्स हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं और आने के बाद भगवान जी का दर्शन भी कर रहे हैं और काफी ज्यादा यहाँ पे शोर है और वीडियो भी काफी लॉन्ग हो रही है दोस्तों, इसलिए मैं फटाफट थोड़ा सा वॉइस ओवर करके आप लोग के साथ शेयर कर दे रही हूँ। ज्यादातर कोशिश ओरिजिनल क्लिप शेयर ही की हूँ दोस्तों, यही कोशिश की हूँ कि ओरिजिनल क्लिप ही आप लोग के साथ शेयर करूं। तो हम लोग अंदर आकर मंदिर में भगवान जी का दर्शन किए हैं दोस्तों और इसके बाद यहाँ पर ऐसे ही फटाफट निकलने के लिए भी बोला जा रहा है, इंस्ट्रक्शन भी यही दिया जा रहा है, जय शिया राम बोलिए और निकलते जाइए। तो दोस्तों कुछ मंदिर का डेकोरेशन दिखा दी हूँ, मंदिर का डेकोरेशन बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था दोस्तों। और ये हम लोग आए थे सेक्टर 9 हनुमान मंदिर, सेक्टर 9 BSP हॉस्पिटल भी है दोस्तों, काफ़ी पुराना हॉस्पिटल है जो बाहर से है, मैं उनके लिए बता रही हूँ। और इस मंदिर का काफ़ी ज़्यादा खासियत है दोस्तों, बहुत ही अच्छा मंदिर है और आपकी कोई भी मनोकामना होती है तो वो भी मानते हैं तो पूरा होता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स हम लोग इसी मंदिर में आके भगवान जी का दर्शन किए, यहाँ पे राम भगवान जी भी थे दोस्तों अंदर, काफ़ी भीड़ होने के कारण थोड़े बहुत क्लिप ही आप लोग के साथ शेयर करी हूँ। अंदर में भगवान जी का दर्शन करने के बाद दोस्तों हम लोग जा रहे हैं मेरी बुआ के घर, यानी कि हम लोग आ गए हैं सेक्टर 9 मंदिर से सीधा रिसाली, थोड़ा देर यहाँ पे बैठेंगे दोस्तों, इसके बाद फिर घर के लिए निकलेंगे। और यहाँ पीछे में बेटू सो गई है, दूध पी है, अंदर मेरी बहन नहीं जा पाई है क्योंकि यहाँ पे ना रोने लग गई थी जस्ट मंदिर के बाहर में, बाबू रोने लग गई थी तो वो रुक गई और हम लोग फिर तीनों लोग अंदर गए। समोसा आया, जलेबी आया, बनवारी दुकान का है, खा लो लड्डू तुम भी, एक बार चटा दोगे ना हम उसको ले लोगे तो रोएगी, हाँ देना मत फिर वो मांगेगी ही चाटने के लिए। घर में ऐसा हुआ उस दिन, हम लोग लाए थे ना उस दिन समोसा, तब हुआ नहीं खाना है लड्डू, मारूंगा खाए दो। कंस मामा तुम तो छुपी रहो, वो ऐसी करती है बार बार पैर पे पैर चढ़ाती है, चाचा बोलते हैं ऐसे तो मैं करता हूँ। ये लग रही है तुमसे, चलो चलो वापस वापस तो हम लोग जस्ट अभी घर आ गए हैं, आप सबको जय श्री राम। तो हम लोग जस्ट घर आ गए हैं, भाई मेरा निकल गया, सिस्टर को घर पे ड्रॉप कर दिए हैं, फिर मैं जाके छत पर अभी लाइट ऑन कर दी हूँ और बस दिया वगैरह चला दूंगी, फिर देखते हैं आगे का क्या प्लान है। वैसे मैं ड्रेस मतलब साड़ी पहनी हुई हूँ तो सोच रही हूँ, मेरे मतलब ससुराल की फैमिली है यहीं घर के पास में ही रहते हैं, बहुत दिन हो गया मैं गई नहीं हूँ तो सोच रही हूँ कि उनके यहाँ भी चले जाएँ। अभी हस्बैंड आते हैं तो बात करती हूँ, अगर बोलेंगे तो उनके यहाँ भी चले जाएंगे, तो फिर ब्लॉग अगर हो पाएगा तो कुछ शूट करूँगी तो शेयर कर दूँगी, नहीं तो फिर यहीं पे एंड हो जाएगा। तो अभी आप लोग बने रहिएगा। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, डरा दिया मुझे तो सही वाले, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। और हम लोग इतना नॉर्मली ले रहे, ये है हम लोग नॉर्मली। नमस्ते भाभी, एक साथ दो कटर।
लेकिन दो वेस्ट गया ना, तीन वेस्ट गया ना, लेकिन ये छूटता है ऐसे ही एक साथ में, अलग अलग नहीं छूट। अंदर ज्वाइंट करके दिया है, जो ज्वाइंट रहता है उसको फोड़ते हैं, जो ज्वाइंट नहीं रहता उसको नहीं फोड़ते। देखो ज्वाइंट है सब। कैसे मिस हुआ? देखो दोस्तों पटाखा फोड़ के काला दिख रहा दीवार में, ये कौन है? ये क्रीम कलर का कपड़ा है वो भैया, पहचानते हो आप? देखी भाई बड़ा पहचान है एकदम, दोनों स्माइल पास कर दिए। मेरे को ही नहीं पता है कौन है। फोड़ते हुए ये धनाधन धनाधन कचरा करते हुए कल सुबह उठ के झाड़ू भी आप ही लगाओगे? मैं तो नहीं लगाऊंगी, जल्दी उठ गई। मैं नहीं फोड़ती, कुछ ज्यादा लेकिन नहीं हो गए, पर कचरे का चिंता है मुझे। क्यों नहीं घुमा, बराबर नहीं मिल रहा क्या जगह? चक्री नहीं जला है तो उसको ऑपरेशन करके भी जलाते हुए। वाव वाव वाव, बिल मतलब कहाँ से लाए थे दिमाग। वाह क्या बात, बहुत सुंदर बहुत सुंदर परफॉर्मेंस। तो ये सब हम लोग बचपन में करते थे, नहीं जला है तो उसको ऑपरेशन करना, पर मेरे को नहीं पता था कि आप आज भी कर सकते हो। वाह चेहरे की स्माइल बता रही है, जलाओ करो कचरा, जितना कचरा करो पूरा रोड में कचरा कर दो। थोड़ा दूसरे लोगों की तरफ भी ये कचरा होता है तो बहुत सुंदर लगता मुझे देखने में, जो उधर उधर ओलो का जो आगे साफ सुथरा है और पूरा हमारा एरिया पूरा कचरा। अरे यार फिर क्यों कर रहे हो ऐसे? मैं रुको ना, नहीं मैं देख ली अभी क्या क्या किए हो दीवार में, काला पीला मैं नहीं की हूँ। अच्छा हुआ कि यही पे डर के आगे जीत, आवाज बहुत पसंद है। बहुत ज्यादा नहीं, जरूरत से ज्यादा नहीं साउंड है। क्या पता है क्या कि वो पूरे दिए को बुझा दिए हो। अब रहने तो पूरा पहले फोड़ लो, क्योंकि क्या ना इसका जो एयर है ना उसकी वजह से वो हो जाए, इसे नहीं फटाके से नहीं हो रहा है, फटाके से मैं बोल रही हूँ पहले फोड़ लो पूरा, जितना काला पीला करना है करके काम खत्म करो, लास्ट में उसको दिया को फिर से जला देंगे। ये सब करने में लेकिन मजा आता ना, चेहरे पे स्माइल, ये जो तेल उड़ा दिए, कभी तो एकदम सफाई कर दी और कभी तो एकदम उड़ा के, ये देखो दोस्तों ये सब काला पीला ये सब क्या है, ये देखो दीवार तक काला दिख रहा है। ओह माय गॉड,
डंडा लगा रहे हैं दोस्तों, ऊपर आ गए हैं। ट्राइपॉड भी लाई हूँ रील्स बनाने की कोशिश, और छुरछुरी, और एक ये है ये। स्काई लैंटर्न।